Hi friends, welcome back. This is Delhi, not Bali. Jay Shankar's sharp response to BBC reporter Allo over G20 Delhi declaration. हाँ वही मैं वो लास्ट वाली वीडियो जब मैंने देखी थी ना उसमें declaration के spelling wrong थे तभी मैं बड़ी हैरान हो रही थी वो LE लिखा हुआ था. मैंने कहा भैया मेरे spellings में गड़बड़ हो गई है क्या. तो चलो वीडियो शुरू करते हैं. वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें. अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर. चलिए शुरू करते हैं. विद रिगार्ड टू द रश यू नो टू द कंपैरिजन विद द बाली डिक्लेरेशन आई वुड ओनली से बाली वाज बाली एंड न्यू दिल्ली इज न्यू दिल्ली. अच्छा उनको तकलीफ हुई होगी ना डिक्लेरेशन में यूक्रेन का क्यों नहीं इतना किया और वो सब रशिया को क्यों नहीं कंडेम किया. लैंग्वेज ऑफ G20 स्टेटमेंट दिस ईयर ऑन यूक्रेन वही तो बीबीसी वाला को तकलीफ हुई थी तो वो पूछ रहा होगा. वॉर इन यूक्रेन एंड नॉट वॉर अगेंस्ट यूक्रेन. वेरी गुड. ओए होए अच्छा यहाँ पे जब वो लुढ़क रहे थे तब वो खास आए थे उनको. सब लोग यहाँ पे ऊपर नीचे हो रहे हैं. कुछ है वहाँ पे यहाँ कुछ होगा बड़खा बड़ अरे वाह ये प्रेस मीट के टाइम हो रहा है. यहाँ पे ऐसे लगता है ऐसे बैठ के प्रेस मीट हो रही होगी. I want to go back to Russia and if you look at the language that was used in Bali and you look at the language that was used now, gone is any reference to Russia and its aggression. Were those concessions made in order to get Russia to sign on? And do you think the weight of this has been watered down as it, and does that take away from its importance, especially when you're talking about fuel and food security? With regard to the Russia, you know, to the comparison with the Bali declaration, I would only say Bali was Bali and New Delhi is New Delhi. Good. I mean, Bali was a year ago, the context, you know, the situation was different. Many things have happened since then. In the geopolitical segment of the leaders' declaration, there are in totality 8 paragraphs, 7 of which actually focus on the Ukraine issue. And many of them highlight problems which are of great contemporary significance. So, I mean, including the efforts of the Istanbul agreements, the concerns about unimpeded deliveries of grain, foodstuff, and fertilizers, the issues of attacks on the relevant infrastructure. So, I think it's, you know, one should not have a theological view of this. I think the New Delhi Declaration responds to the situation and concerns as it is today, just as the Bali Declaration did in a situation which was there a year ago. वाह चांसर दिया है. ये बीबीसी होता है हर बार ये आके पंगा करने की कोशिश करता है तो वही उसने वही चीजें उसको जो थी पंगा क्रिएट करने के लिए उसने वो टॉपिक छेड़ा है. तो जवाब जयशंकर जी ने तो बहुत अच्छा दिया कि बाली वॉज बाली एंड डेली इज डेली. That was 1 year ago. This is present. Situations change हो जाती हैं. वो तो क्या तुम वही declaration को के लगे रहोगे आप बाबा यूक्रेन वो कह रहे हो. यूक्रेन का काफ़ी उस बारे में भी काफ़ी डिस्कस लिखा हुआ है. ऐसा नहीं कि हमने कम किया है या उसमें जो relevant चीज़ें हैं आज के टाइम से रिलेटेड उसके बारे में किया गया है. तो वो जवाब तो दे दिया तो उसकी तो कहते ना अच्छा जवाब दिया अच्छा सुना है वेरी गुड. देखिए परेशानी तो आनी थी. बीबीसी वैसे ही परेशान रहता है होता ही और भी कई रिपोर्ट मगर ये हॉल देख के मजा आ रहा था कि कितने यही हॉल देखा था हमने जब मैंने और भी हॉल देखे मगर ये यही देखा मेन हॉल है जहाँ बैठे हुए हैं और बैठ के यहाँ पे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और जयशंकर जी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं वहीं पर ही लाइव क्वेश्चंस को. और उन्होंने बहुत अच्छा कहा है कि हमने बहुत कवर किया अगर आप देखें कहाँ कहाँ पैराग्राफ्स ने कहाँ कर किया है बेस्ड ऑन जो भी हालत है पूरे वर्ल्ड में.
जो वॉर उस वक्त हुई थी उस वक्त फ्रेश थी, सबको लग रहा था ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अब थोड़ी स्टेबलाइज हो रही है, वॉर बुरी बात है, लंबी चल रही है, उसके हिसाब से उन्होंने कंडेम किए हैं कि फूड ग्रेन्स की शॉर्टेज होगी, यूक्रेन का फूड ग्रेन्स नहीं आ पाया उसके बारे में था, और फर्टिलाइजर सिविलियन जगहों पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक कर दिया, चीज़ें तोड़ दी, तो उस पर उन्होंने बोला है कि उसके बारे में लिखा हुआ है कि इट इज़ नॉट अ गुड थिंग, मगर फोकस जो है और चीज़ों पे भी है, जो पूरी लाइफ चल रही है वहाँ पे एक चीज़ है उसको भी कवर किया है और दूसरी चीज़ें भी कवर की हैं, तो काफ़ी अच्छा है। और एग्जैक्टली पता नहीं और लोगों ने कितने ऐसे थे, मगर वो लेडी जो थी मुझे पता नहीं उनका कौन सा ओरिजिन है, वो मैं तभी पूछ रही थी नाम क्या, मैंने देखा नहीं, सम ओरिजिन लग रही हैं और देख, मगर अच्छी बात है। यहाँ पे सिर्फ ये होता है कि मुझे लग रहा है उसे पाकिस्तानी ओरिजिन की हो, मतलब जो भी है वो उनकी प्रॉब्लम है, बहुत अच्छा रिस्पांस दिया था तो और मेरे ख्याल से सोच के पूछ रहे हैं पूछ किससे रहे हो और ऐसे रिस्पांस करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इतने सारे रिपोर्टर्स बैठे हैं, वो अपना हर बंदे के ये तो प्रिपेयर होके आए होते हैं वो सारे रिपोर्टर प्रिपेयर होके अपना क्वेश्चन बना, जो बैठा है उसको थोड़ी को पता है क्या क्वेश्चन आ रहा है, एजेंडा बना के आया है, कोई किसी कंट्री का है, किसी ने क्या किया है, हर बंदे का अपना एजेंडा है पूछने का, और वहाँ पे इस तरीके से रिस्पॉन्ड करना इज अमेजिंग, बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्ड किया, बहुत अच्छा दिया, बहुत ही अच्छा, और जगह जगह न्यूज़पेपर्स में आया हुआ है कि ये हिट हुई है और बहुत ही अमेजिंग हुआ है कि ज़्यादा रशिया को ब्लेम नहीं किया है, जो भी वॉर हो रही है वो आपस में वो लोग देखेंगे, बट फोकस करें और चीज़ों पर। नहीं मुझे तो ये भी समझ नहीं आता, ब्लेम करके तुम पन्नों में लिख भी लोगे तो क्या उससे, क्या वॉर ख़त्म हो जाएगी, उससे कुछ अचीव तो होता नहीं है, तो उससे अच्छा है कि तुम ऐसी चीज़ों पर फोकस करो जिससे बाकी देश का या वर्ल्ड का भला हो, कुछ ऐसी चीजें हो जिससे ह्यूमंस की जो है डेवलपमेंट हो, कोई प्रोग्रेस हो पूरे वर्ल्ड की, तो उस टाइप से करना चाहिए ना, ये थोड़ी का जैसे वो सुना था ना कि वो बोल रहे थे कि सैटेलाइट भेजते हैं जो ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड कुछ स्टडी करेगी, वो G20 की होगी और इंडिया जो है वो ही भेज देगा, तो ऐसी कोई बातें करो ना जिससे वो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पता करना, उसको कैसे ठीक करना, आप ऐसी बातें करो, बाबा वॉर करो ना, बोलने से ना वो रुकने वाले हैं ना कुछ होने वाला है, तो क्या फायदा है, आप कंडेम करते रहो वो और गुस्से में बैठ के और करता रहेगा, सुलझाने के लिए प्यार से ही, हम ऐसा नहीं कर सकते कि G20 हमने वॉर को डिस्कस करने के लिए नहीं बनाया, इतना पैसा इसलिए नहीं खर्च किया, मतलब ऐसा नहीं कि G20 ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वॉर के लिए, इतना हमने अगर और मिस्टर ज़ेलेंस्की को इसीलिए नहीं बुलाया था कि ये जो है मतलब फोकस उसी पे हो जाएगा फोकस, और मिस्टर पुतिन भी नहीं आए, तो जो भी है मतलब इसलिए था कि आप एक्चुअल मुद्दों पे फोकस करिए जो भी इम्पोर्टेंट है पूरे वर्ल्ड के लिए, जो मान लीजिए अफ्रीकन यूनियन के लोग बैठे हैं उनको ठीक है दुख होता है कि वॉर हो रही है, मगर डायरेक्ट इम्पैक्ट तो उनका उनकी और प्रॉब्लम्स है भैया लाइफ में, इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम, हर कंट्री आ रही है उसको अपने बखेड़े हैं, मिस्टर मैक्रों का मुंह बिल्कुल ही सूजा हुआ था, उनको लगता है कोई प्रॉब्लम आई है उनके देश में, कुछ लग रहा है, हर बंदा अपनी टेंशन से आ रहा है, अपनी प्रॉब्लम में आ रहा है, जो भी कर रहा है, अब यहाँ पे एक और तुम हो जाए तो, और पहले भी जयशंकर जी वो बोल चुके हैं कि यूरोप की प्रॉब्लम पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम बना देते हो, तुम लोग वो नहीं बनाने देंगे, तो हमने कर दिया कि तुम वो जो प्रॉब्लम है वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम होती है वो तुम्हारी प्रॉब्लम बनती नहीं है, यहाँ पे लोगों को खाने पीना नहीं मिल रहा, 100 लोगों की हर एक देश में प्रॉब्लम, उसको डिस्कस ना करें, न्यूक्लियर वेपन्स को रिड्यूस करें वो ना करें, वो क्लाइमेट चेंज की बात ना करें, उसे ही वॉर की करें, तो वो ये बहुत अच्छा बताया कि हमें इसमें पढ़ना ही नहीं है, और BBC वाले उखाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको समझ आ गया कि नहीं होगा, उनको बोला करो नेक्स्ट टाइम सोच के बात किया करो कि सामने बैठा कौन है, वो तो जो आज तुमको जब यूके की गवर्नमेंट तो कह दिया था हमसे रिलेटेड नहीं है, क्योंकि उन्होंने इतना बखेड़ा कर दिया, उन्होंने हमसे है नहीं अपना BBC करें, जबकि फंडिंग करते हैं BBC को, होता है देख लो, तो चलो शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।